आंखें फड़क नहीं रही थी, मैं सोच रही थी कि ऐसा अक्सर लोग कहते हैं ना कि लेफ्ट आंख फड़कने से पैसे आते हैं, राइट आंख फड़कने से अनचाहे मेहमान आते हैं, दोनों आंख साथ में फड़के तो कोई मुसीबत आती है। तो मैं ये सोच रही थी कि ये जानबूझ के करने से भी ये सारी चीजें होती है, क्योंकि अभी थोड़ा पैसे पैसे वैसे नहीं है ना, सोचा लेफ्ट आंख फड़का लूं पैसे आ ही जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आंखें फड़काना एक बार फिर से ये शुभ और शुभ के साथ कैसे जुड़ जाता है? आंख फड़काने से पैसे कैसे आ सकते हैं, और ये वाली आंख फड़काने से कोई मेहमान घर में कैसे आ सकता है? कभी सोचा? नहीं सोचा तो चलिए साथ में सोचते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में, और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। आज हम ये समझने वाले हैं कि आंख फड़कना शुभ और अशुभ से जोड़कर क्यों देखा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अलग अलग आंख फड़कने को लेकर अलग अलग चीजें कही जाती है, जिसमें से सच कुछ भी नहीं है। लोग ये भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अंधविश्वास है जिन्हें अब इस तरीके से मानने की आदत हो चुकी है कि अगर उन्हें ना माने तो जिंदगी में कुछ अधूरा अधूरा सा लगने लगता है। कैसे से हैं हम लोग आंख फड़कने को अपनी जीवन के पूरे होने से जोड़कर देखते हैं। खैर, सैड रियलिटी बट ट्रू। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आंख फड़कने को लेकर अशुभ चीजों को ज्यादा क्यों देखा जाता है? कि अगर आपकी आंख फड़क रही है तो वो जरूर से जरूर किसी अशुभ चीज का संकेत है। हालांकि पैसे आने की बात भी कही जाती है, लेकिन किसी के पास कभी नहीं आए हैं तो लोग उस बात पर कम ही ध्यान देते हैं, और एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम मुख्य रूप से उसी बारे में बात करेंगे। बिना ज्यादा और बातचीत किए सबसे पहले आपको लॉजिक बता देती हूँ कि आंख फड़कने को अशुभ चीजों से जोड़कर क्यों देखा जाता है। अब देखिए, आंख क्यों फड़कती है इसके बारे में हम लोग बहुत सारी वीडियोस में साइंटिफिकली बात कर चुके हैं। आंख अगर ड्राई होती है तो आंख फड़कती है ताकि आंख में लुब्रिकेशन बना रहे, आंख में पानी प्रॉपर बना रहे, इसीलिए ब्लिंक करते हैं हम लोग ताकि मॉइस्चर रहे आंखों में, आंखें सूखे ना, क्योंकि अगर आंख सूखने लगेगी तो इचिंग होने लगेगी। अगर गलती से इचिंग के दौरान हम उसे स्क्रैच कर देते हैं तो फिर आंख में खरोच भी आ सकती है, आंख में प्रोटेक्टिव सेल्स की जो लेयर है वो हट भी सकती है, इसीलिए पलके झपकना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन आजकल मोबाइल फोन और ये टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जमाने में चीजें कुछ इस तरीके से हो गई है कि हम इतना ज्यादा फोकस करते हैं हम स्क्रीन पर कि नेचुरल ब्लिंकिंग हम भूल जाते हैं, इसलिए आंखें अपने आप ब्लिंक नहीं करती है। नतीजा ये होता है कि आंखें बहुत ज्यादा ड्राई होने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है आंखें, इसीलिए हमें फड़कानी पड़ती है, जानबूझकर अपनी पलकें झपकानी पड़ती है ताकि आंख में लुब्रिकेशन हो, आंख का मॉइस्चर जो है मेंटेन रहे। साथ ही साथ आंखें लाल होना, आंखों में जलन होना और आंखों का ऐसे ड्राई हो जाना बहुत सारी बीमारियों का भी इशारा होता है, और बीमारी कभी भी किसी अच्छी चीज का संकेत तो हो ही नहीं सकती है, ये तो हम सब जानते हैं। इसीलिए जब किसी की पलकें बहुत ज्यादा झपकने लगती है एक अबनॉर्मल तरीके से, तब लोग उसे शक की निगाह से देखने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं आंखों से जुड़ी कोई समस्या है जिस पर अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो आगे जाकर बीमारी का रूप भी ले सकती है। इसीलिए पलकें झपकाने को अक्सर अशुभ चीजों से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि अगर कोई आदमी ज्यादा पलकें झपका रहा है, अनइंटेंशनली भी बहुत ज्यादा आंखें फड़क रही है, इसका मतलब यह है कि आंखों में दिक्कत होने लगी है, या तो आंखें ड्राई हो रही है या फिर आंखों में बहुत ज्यादा जलन की परेशानी हो रही है। पहले के जमाने में लोग इतने अवेयर नहीं थे और ये इन चीजों के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए ये कह दिया जाता था कि अगर आंखें किसी की बहुत ज्यादा झपक रही है, कोई बहुत ज्यादा पलके झपका रहा है, तो कुछ ना कुछ उसके साथ अशुभ होने वाला है, कोई ना कोई आपदा उसके सर पर आने वाली है। समय के साथ लोग उस अंधविश्वास को आगे ले चले, लेकिन उसकी शुरुआत क्यों हुई थी इस चीज को लोग भूल गए। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो की मदद से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें ये बता सकते हैं कि ज्ञान अड्डा में आप और किन मुद्दों पर वीडियोस देखना चाहते हैं। धन्यवाद।